देख रहे हैं इंडिया टीवी, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है राजधर्म का। 14 दिन पहले लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था। नरेंद्र मोदी ने काशी से जीत की हैट्रिक लगाई और 62 सालों का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री का पद संभाला है। हालांकि पिछले दो बार की तुलना में इस बार नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट थोड़ा पुअर रहा। दो बार अपने दम पर बीजेपी को अकेले बहुमत दिलाया था, लेकिन इस बार बीजेपी 32 सीट से पीछे छूट गई। हालांकि नरेंद्र मोदी ने एनडीए को बहुमत से 22 ज्यादा सांसद दिलाने में सफल रहे। नरेंद्र मोदी को इस बार जहां सबसे ज्यादा डेंट लगा वो था उत्तर प्रदेश। मोदी वाराणसी में तो जीत गए, लेकिन आसपास की सीटों पर बीजेपी की बड़ी हार हुई। चुनाव नतीजों के 14 दिन के बाद मोदी वाराणसी आ रहे हैं, जिसको लेकर भव्य रूप से बनारस में तैयारी की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी काशी की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2014 में 71 सीट जीतने वाली बीजेपी 10 साल के बाद 2024 में सिर्फ 33 सीट ही क्यों जीत पाई है। मतलब ये कि यूपी में बीजेपी की सीटें कम क्यों हुई हैं, इसको लेकर मंथन होगा। पूर्वांचल में पार्टी की इतनी बड़ी हार कैसे हो गई, इसको लेकर भी मंथन करेंगे। आखिर ऐसा कौन सा नरेटिव था जो वहां पर नहीं चला, और ऐसा विपक्ष के पास कौन सा नरेटिव था जिसने काम कर दिया, और पूर्वांचल में बीजेपी पर कुछ ऐसी चीजें भी हुई जो बैकफायर हो गई। मोदी का इस बार वाराणसी में जीत का मार्जिन भी घटा, तो मोदी इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना विकास करने के बावजूद जो जीत का मार्जिन है वो कम कैसे हो गया, यूपी में सीटें कम क्यों आई। अब काशी की नब्ज जब टटोलने के लिए आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे तो क्या क्या चीजें होंगी, वो मैं आपको यहाँ एलईडी के जरिए विस्तार से समझाती हूँ। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पूरी बीजेपी के मन में है, वो ये है कि यूपी में आखिर सीटें इतनी कम कैसे हो गई, क्योंकि यूपी में कई बड़े मुद्दे थे। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनावों में भी चला, और राम मंदिर तो कोई भूल ही नहीं सकता। पूर्वांचल में पार्टी कैसे हारी जबकि बीजेपी यहां बेहतर प्रदर्शन करती रही, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि यहां बीजेपी की सीटें घट गई। पूर्वांचल में कौन सा ऐसा नैरेटिव है जो बैकफायर हो गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझने की कोशिश करेंगे। वाराणसी में कई विकास कार्य हुए, देखिए सबसे ज्यादा तो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, फिर ज्ञानवापी का मुद्दा भी लगातार गूंजता रहा। वाराणसी में विकास हुआ, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जीत का मार्जिन है वो 2014-2019 के मुकाबले कम हुआ। इसके पीछे की वजह क्या है वो भी समझेंगे। विपक्ष का दुष्प्रचार कैसे बीजेपी के गले की फांस बन गया, कैसे काम कर गया इंडिया अलायंस के फेवर में, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। 2027 चुनाव से पहले नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, कौन कौन से वो कदम अभी उठाने होंगे, इसको भी समझने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब देखिए, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 100% स्ट्राइक रेट में बैटिंग करने वाली बीजेपी आखिर यूपी में कैसे फंस गई। साथ ही मोदी ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसकी भरपाई कैसे करे। और ये सवाल इसलिए भी है कि नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार वहां से जीते हैं, लेकिन जीत का मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया। अब देखिए, कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। भव्य तैयारी की गई है। बाबतपुर एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्री उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से वाराणसी के मेहदीगंज जाएंगे, जहां किसानों के साथ प्रधानमंत्री संवाद भी करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार बनारस पहुंच रहे हैं। जीत के बाद प्रधानमंत्री का बनारस का ये पहला दौरा होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी भव्य की गई हैं। बहुत जोर शोर से प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां शाम की जो गंगा आरती होती है उसमें भी शामिल होंगे। इसके लिए घाट को भी विशेष तौर पर सजाया गया है। शिव की नगरी काशी में कदम कदम पर घाट है। गंगा के किनारे 84 घाट हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे मंदिर हैं, और इन घाटों में सबसे ज्यादा विशेष घाट है दशाश्वमेध घाट। और ये दशाश्वमेध घाट इसलिए विशेष है कि यहाँ रोज शाम को सूरज ढलने के बाद
गंगा जी की आरती होती है। आज इसको खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज इस आरती में शामिल होंगे, दशाश्वमेध घाट आएंगे। ये वो जगह है जहां गंगा आरती होती है और सामने जहां फूलों से सजावट की जा रही है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस आरती को देखेंगे, गंगा जी का पूजा अर्चना करेंगे। वैसे तो रोज़ाना ये आरती होती है और सिर्फ देश से नहीं विदेशों से भी यहां पर इस आरती को देखने लोग बड़ी तादाद में आते हैं। यहां पर घाट पे लोग मौजूद होते हैं, सामने नाव से बैठ के लोग इस आरती को देखते हैं। रोज़ाना यहाँ पर 7 अर्चक होते हैं जो गंगा आरती करते हैं, लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं इसलिए आज 9 अर्चक होंगे और साथ में 21 कन्याएं होंगी जो रिद्धि सिद्धि के रूप में होंगी। तो खूबसूरत नज़ारा यहां पर होगा। इस समय पूरे घाट को सजाया जा रहा है, करीब 10 कुंतल फूल आए हैं, गेंदा है, रजनीगंधा है यहाँ पर, जिससे पूरा घाट को की सजावट की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इसके पहले भी 4 बार इस गंगा आरती में शामिल हो चुके हैं। 2014 में जब वो पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़े थे तब वो यहाँ पर गंगा जी में आरती में शामिल होने के लिए आए थे। फिर 2019 में भी आए और क्रूज से भी एक बार उन्होंने आरती देखी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ दशाश्वमेध घाट पर आके इस आरती का आनंद ले चुके हैं। बहुत मान्यता है, बहुत जगह आरती होती है लेकिन जैसी आरती दशाश्वमेध घाट पे होती है वैसी कहीं नहीं होती। तो प्रधानमंत्री मोदी आज यहाँ पे आएंगे, पहले किसानों को किसान निधि की 17वीं किश्त वो देंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, आरती में शामिल होंगे और फिर आगे काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर दर्शन करेंगे। तो ज़बरदस्त तैयारियाँ काशी में प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है। तो तैयारियां हमने आपको दिखा दी, किस तरीके से विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी पहुंचने पर नरेंद्र मोदी सबसे पहले किसानों से संवाद करेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी के एजेंडे में किसान सबसे ऊपर हैं। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश की सत्ता संभालने पर जो पहली फाइल पर साइन किया था वो किसानों से जुड़ा हुआ था। किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई वो फाइल्स नहीं, प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण के बाद पहली बार अगर सबसे ज्यादा किसी पर ध्यान दे रहे हैं तो वो है किसान। शाम करीब 4:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से किसानों से संवाद करेंगे। पीएम करीब 2 घंटे तक किसानों से बात करेंगे। इसके बाद शाम करीब 6:15 बजे बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की पूरी टाइमलाइन समझा देते हैं आपको, कितने बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, कब कब क्या क्या होगा वो आप विस्तार से समझिए। मोदी का ये 50वां काशी दौरा है, अपने आप में बेहद खास है क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और इसीलिए तैयारियां भी उसी हिसाब से की गई हैं। शाम 4:15 पर किसान सम्मान सम्मेलन का यहां पर ऐलान किया जाएगा, आयोजन होगा। शाम 6:15 पर काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। फिर शाम 7:00 दशाश्वमेध घाट पर जो विशेष तौर पर गंगा आरती होती है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए आपको बता दें कि जाएंगे, जिसके लिए विशेष तौर पर इंतजाम भी किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है, यहाँ पर संवाद भी होगा किसानों से, उनकी भी नब्ज टटोलेंगे और प्रधानमंत्री ने बार बार ये जरूर बताया होगा, आपको भी याद होगा जब गारंटी भी देते थे तो प्रधानमंत्री की गारंटी में भी किसान शामिल होते थे। प्रधानमंत्री ने जब अपनी जाति बताई थी तो उन्होंने ये कहा भी था कि युवा, महिला और किसान यही मेरी जातियां हैं। तो देखिए ये हम आपको समझा रहे हैं, पूरी टाइमलाइन दिखा रहे हैं कि कब कब क्या क्या होगा। शाम को करीब 7:00 जो दशाश्वमेध घाट पर आरती होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी का काशी से जो रिश्ता है वो बेहद खास है, बेहद गहरा है, ये बात उन्होंने इंडिया टीवी से खास बातचीत के दौरान भी कही थी। नरेंद्र मोदी जब भी चुनाव जीते तो उसके बाद वो वाराणसी जरूर आए हैं। 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी 50वीं बार वाराणसी आ रहे हैं। मोदी जब 2014 में चुनाव जीते तब भी आए थे। देखिए रिजल्ट के बाद मोदी का काशी दौरा, चुनाव के नतीजे और कब गए वो भी हम आपको समझा रहे हैं। 16 मई 2014 को प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पर जब नतीजे आए तो 17 मई 2014 को प्रधानमंत्री ठीक अगले दिन काशी पहुंच गए। 23 मई 2019 को देखिए चुनाव के नतीजे आए तो 27 मई 3-4 दिन के बाद ही प्रधानमंत्री बनारस पहुंच गए। 27 मई को 2019 में प्रधानमंत्री ठीक 4 दिन के बाद वहां पर पहुंच गए।
4 जून 2024 की बात करें तो रिजल्ट आया था 4 जून को, आपको याद होगा। ठीक 14 दिन के बाद 18 जून 2024 को यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में मौजूद होंगे। और आप अंदाजा लगाइए कि ये रिश्ता हम क्यों कह रहे हैं कि बेहद खास है, क्योंकि ये 50वां दौरा है प्रधानमंत्री का। 2014 से लेकर अब तक हम बात कर रहे हैं तो ये 50वां दौरा है और यही वजह है कि ये दौरा खास है। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली जाना पड़ा था। दूसरी वजह ये भी मान सकते हैं कि इस बार चुनाव में गठबंधन को मेजोरिटी मिली और इसीलिए पहले 5 दिन तो सरकार गठन को लेकर मंथन में ही जो चीजें हैं वो गुजरी। क्यों ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 14 दिन बाद ही प्रधानमंत्री अब क्यों जा रहे हैं। तो इसके पीछे की जो वजह है वो यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे हैं कि उनका वाराणसी से खास रिश्ता रहा है। इंडिया टीवी से भी बातचीत की थी जब प्रधानमंत्री ने, काशी और वडनगर के रिश्तों का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि ये रिश्ता कैसा है, सुनिए जरा। काशी मेरे लिए एक शब्द नहीं है, काशी अपने आप में शिव है, शिव का रूप है कि काशी अविनाशी है। सदियों से काशी में मानव जीवन रहा है, कभी भी काशी मानव जीवनहीन नहीं रहा सदियों से। और ये भी कोइंसिडेंस देखिए जी, मेरा जन्म जहां हुआ है वडनगर, अभी आर्कियोलॉजी वाले वहां बहुत काम कर रहे हैं और उन्होंने भी खोज के निकाला है कि मेरा गांव भी अविनाशी है। तो मेरा वहां जन्म होना और यहां मेरा जीवन होना, ये दोनों का कोई नाता होगा ऐसा मुझे लगता है। और इस नाते ने मुझे काशी के साथ बहुत इमोशनली जोड़ दिया है। मैं जब आया था तब मैंने कहा था कि किसी ने मुझे भेजा नहीं, माँ गंगा ने बुलाया है जी। लेकिन 10 साल का मेरा यहाँ का जो नाता दिनों दिन बढ़ता गया, लोगों से बढ़ा, काशी विश्वनाथ जी से बढ़ा, माँ गंगा से बढ़ा, तब तो मेरा भाव यही कहता है कि ऐसा लगता है जैसे माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, शिव जी के मुझ पर आशीर्वाद है और यहाँ की जनता जनार्दन के अपार आशीर्वाद है, अपार प्रेम है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना आपने, उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार आया तो मुझे ऐसा लगा कि माँ गंगा ने बुलाया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। अब नरेंद्र मोदी की लिस्ट की बात करते हैं, जो सबसे ऊपर रहता है इस लिस्ट में वो है किसान। मोदी किसानों का इनकम डबल करने के लिए लगातार वर्क कर रहे हैं। आज मोदी किसानों को 20,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। काशी से किसानों को क्या क्या सौगात मिलेगी वो हम आपको बता रहे हैं। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जारी की जाएगी। 9,30,00,000 किसानों के अकाउंट में सीधा पैसा जाएगा, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। 2,000 रुपए हर एक किसान के खाते में जाएंगे और 2,000 रुपए हम आपको बता रहे हैं हर किसान के खाते में जाएंगे। नरेंद्र मोदी जब से काशी के सांसद बने हैं तब से काशी के बारे में भी वो हर तरफ से सोच रहे हैं, चौतरफा विकास के बारे में सोच रहे हैं। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया, अब यहाँ रोपवे का निर्माण भी हो रहा है ताकि शहर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो दुरुस्त हो सके। वाराणसी में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम की रहती है और इसी ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अब जो एक योजना शुरू की गई है, रोपवे योजना, यानी कि एक ऐसी योजना जिसके तहत अब आप 15 मिनट में वाराणसी के स्टेशन से गोदौलिया चौराहे तक पहुंच जाएंगे, जिसमें अब तक लगभग 40 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता है, कभी कभी तो ट्रैफिक जाम होने की वजह से 1 घंटे तक का वक्त लग जाता है। और ये वो रोपवे का मॉडल है जो कि यहां पर बनकर तैयार हो गया है। दरअसल ये एक मॉडल की तरह फिलहाल रखा गया है, लेकिन इसका काम लगातार चल रहा है जो 2025 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन इसका पहला फेज
वो अब इस साल देव दीपावली तक पूरा हो जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर कर सकते हैं। दरअसल इस योजना का पिछले साल शिलान्यास किया गया था, और क्योंकि यहां पर यात्री बहुत ज्यादा रहते हैं, और यहां तक क्योंकि यात्री जो वाराणसी स्टेशन तक आते हैं उनको गोदोलिया चौराहे दशाश्वमेध घाट तक जब जाना होता है तो काफी भयंकर ट्रैफिक जाम से उनको गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि इस तरीके की रोपवे सुविधा यहां पर शुरू की गई है। दरअसल ये हमारे देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा, और भारत तीसरा ऐसा देश होगा जहां पर इस तरीके से जो रोपवे है वो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट की तरह यूज किया जाएगा। आमतौर पर आपने पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे देखा होगा, जिसमें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ऊंचाई तक जाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये आम शहर में आपको चलता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल बोलीविया और मेक्सिको में ये दो देश है जहां पर इस तरीके से ये अर्बन ट्रांसपोर्ट की तरह रोपवे ऑपरेट करता है, लेकिन अब भारत ऐसा तीसरा देश होगा जहां पर अर्बन ट्रांसपोर्ट की तरह रोपवे ऑपरेट किया जाएगा। और इसके अंदर अगर सीट्स आपको दिखाएं तो लगभग 10 सीट्स इसके अंदर बनाई गई है, यानी कि एक बार में 10 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं, और हर 1.5 से 2 मिनट में आपको गंडोला ये राइड मिलती रहेगी, और लगभग 1 घंटे में 3,000 लोग एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी कि वाराणसी स्टेशन से गोदोलिया चौराहे की तरफ और दूसरी तरफ गोदोलिया चौराहे से वाराणसी स्टेशन की तरफ 3,000 लोग और ट्रेवल कर पाएंगे, यानी कि लगभग 6,000 लोग 1 घंटे में इस रोपवे के जरिए वाराणसी स्टेशन से गोदोलिया चौराहे या फिर गोदोलिया चौराहे से वाराणसी स्टेशन की तरफ ट्रेवल कर पाएंगे। ये स्विट्जरलैंड की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 807 करोड़ की योजना के साथ ये पूरा रोपवे का काम किया जा रहा है। हालांकि इसके अंदर 5 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें पहला स्टेशन वाराणसी स्टेशन होगा, विद्यापीठ, रथ यात्रा, और इसके साथ साथ ये गोदोलिया चौराहे पर आकर खत्म होगा। लेकिन पहले फेज में सिर्फ 3 स्टेशन यानी कि वाराणसी रेलवे स्टेशन, उसके बाद विद्यापीठ और तीसरा रथ यात्रा तक ये पहले फेज में शुरू किया जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे इसे अगले साल तक आगे बढ़ाकर गोदोलिया चौराहे पर लाकर खत्म किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर जैसे ही ये रोपवे आपको वाराणसी में आपको चलता हुआ दिखाई देगा, तो जाहिर तौर पर वाराणसी के लोगों की, यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट की, यहाँ पर आने वाले भक्तों की समस्या काफी ज्यादा खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी और काशी का अनोखा रिश्ता रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब बीजेपी पहली बार 2014 में चुनाव लड़ रही थी तो मोदी गुजरात के वडोदरा और यूपी के वाराणसी सीट दोनों से चुनाव लड़ी। दोनों जगहों से प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते भी, लेकिन चुनाव में जीत के बाद मोदी ने वडोदरा की जगह काशी को चुना। तब से ही मोदी काशी के होकर रह गए। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार काशी से जीतकर सांसद बने और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री भी बने। अगर बात 2014 के लोकसभा चुनावों की करें तो नरेंद्र मोदी को 5,81,022 वोट मिले थे। अब आपको हम यहां पे काशी में मोदी की जीत की हैट्रिक कितनी रही है वो बता देते हैं। चुनाव 2014 की बात करें तो देखिए 5,81,022 वोटों से जीते थे। वोट शेयर की बात करें तो 56.37% था, और मार्जिन की बात करें तो 3,71,784 वोटों का यहां पर मार्जिन था। आप समझ सकते हैं यानी कि भव्य मार्जिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज की थी। 2019 की बात करें तो 6,74,664 वोट यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले थे, और जो वोट शेयर है वो बढ़ गया था, 63.62% वोट शेयर था, और जीत का मार्जिन भी बड़ा था। 4,79,505 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते थे। जीत का अंतर सोचिए 4.5 लाख वोटों से ऊपर था। 2024 की बात करें स्ट्राइक रेट यहां पर थोड़ा कम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वोट मिले 6,12,970 वोट शेयर, लेकिन यहां पर घट गया, 54.24% रहा, और जो जीत का मार्जिन है वो 1,52,513 वोटों को रहा है। और इसीलिए बीजेपी इस बात पर मंथन भी करेगी कि जब उत्तर प्रदेश में हर तरफ विकास हुआ तो आखिर वोट शेयर घटा क्यों, जो जीत का मार्जिन है उसका अंतर कम क्यों हो गया। इसको लेकर भी लगातार बीजेपी मैराथन बैठक कर भी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज काशी में होंगे तो यह भी समझने की कोशिश की जाएगी। पीएम मोदी के काशी दौरे की तैयारियां भी जबरदस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुलिस लाइन से दशाश्वमेध घाट तक बाय रोड जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूलों से स्वागत होगा। स्वागत के लिए कई वेलकम पॉइंट्स बनाए गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि वाराणसी के गोदोलिया चौराहे से हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने क्या देखा, वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए जरा। काशी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी आने वाले हैं,
और अपनी जीत के बाद यानी कि एनडीए की सरकार बनने के बाद और काशी से तीसरी बार सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है और इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की जनता का आभार जताने के लिए आ रहे। एक आभार यात्रा इसे नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो सबसे पहले काशी की जनता का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सांसद के रूप में चुना है। और यहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री के आने का सिलसिला हमने देखा है। वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के लोगों से आकर रूबरू होते रहते हैं और इस बार भी खास मौका है क्योंकि शपथ लेने के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा है काशी का। और सबसे पहले जब प्रधानमंत्री काशी पहुंचेंगे तो यहाँ पर किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत उनकी 17वीं किश्त वो दी जाएगी और उसके बाद कई महिलाओं से मिलेंगे, खास तौर पर कि किसान सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और उसके बाद जब काशी के शहर में प्रधानमंत्री एंटर करेंगे तब यहाँ पर प्रधानमंत्री बकायदा एक अनऑफिशियल तरीके से कहें एक लंबा रोड शो करते हुए जहाँ पर अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री का स्वागत होगा, उन्हें देखने के लिए लोग उमड़ेंगे। और इसके साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खास तैयारी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए की है। सबसे पहले हम आपको गुदौलिया चौक की तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो गुदौलिया चौराहा है जहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर भी नजदीक है और इसके साथ साथ दशाश्वमेध घाट भी नजदीक है। यहाँ पर देखिए कुछ पंडित मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप काशी में आ रहे हैं तो काशी के रंग में रंग जाते हैं और इसी तरह प्रधानमंत्री को भी हमने देखा है। क्या नाम है आपका? ब्रह्मा पांडे। ब्रह्मा जी, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, आपके सांसद तीसरी बार यहाँ से सांसद आप लोगों ने बना दिया, क्या कहेंगे? अभी भैया बताएंगे। बताइए क्या कहेंगे, आप तो मंदिर से ही हैं, तीसरी बार सांसद आप लोगों ने बना दिया प्रधानमंत्री को? तीसरी बार बनाए हैं, बड़ी गौरव की बात है कि तीसरी बार बन गए। अब वो शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं आप लोगों का? शुक्रिया अदा करेंगे, अपना शुक्रिया अदा करेंगे, क्या करेंगे, वो अपना दर्शन पूजन करके चले जाएंगे, मतलब शुक्रिया अदा क्या करेंगे। वो आप लोगों का शुक्रिया अदा करने वाले हैं कि आप लोगों ने जिताया। हम लोग तो तीन बार से उनको जिता ही रहे हम लोग, अब वो तो बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करेंगे, लोकल वासियों को लेके क्या करेंगे, जमीनी स्तर पे क्या करेंगे। जमीनी स्तर पे कोई ना कहीं नाराजगी था तब तो इतने कम मार्जिन से वो निकले हैं। आपको लगता है वो नाराजगी दूर होगी? आप बीजेपी का झंडा लिए हुए हैं, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री आने वाले हैं? हाँ तो आने वाले हैं तो हमको भी तो खुशी है कि आ गए, बहुत अच्छा है। हाँ, जो किसान का मांग उनका पूरा करे। हाँ, और जो रेल दुर्घटना हुआ एक एक आदमी का जो है तो उसको पैसा दो, यही हमारा काम है। आपका क्या नाम? जी मेरा नाम सोनू। ये बताइए कि प्रधानमंत्री को आप लोगों ने तीसरी बार यहाँ से जिता दिया और यही कहा जा रहा है कि काशी की जनता सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनती है, क्या कहेंगे वो आने भी वाले हैं आज? जी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह, और वो बनारस के सांसद हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि प्रधानमंत्री हमारे शहर के सांसद है। तो देखिए नरेंद्र मोदी आज काशी वासियों का आभार जताने के लिए आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली को चुन लिया है और अब वायनाड की खाली सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतरेंगी, पॉलिटिकल डेब्यू उनका होने जा रहा है। राहुल ने वायनाड को छोड़कर रायबरेली को क्यों चुना, यह सवाल यकीनन आपके मन में होगा। वायनाड उपचुनाव में प्रियंका के नाम का ऐलान होने के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका मिला है। प्रियंका को वायनाड से लोकसभा भेजने के पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है? राहुल की रायबरेली सीट रखने और प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़ाने का फैसला कांग्रेस के लिए दरअसल बेहद अहम है क्योंकि प्रियंका का एक और चुनावी डेब्यू हो रहा है, तो दूसरी तरफ अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो दोनों भाई बहन पहली बार संसद में मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए माना यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी को अब मैदान में खुलकर उतारा जा रहा है। तो वहीं वायनाड सीट से प्रियंका अगर चुनाव जीतती हैं तो फिर संसद में गांधी परिवार के 3 सदस्य हो जाएंगे। सोनिया गांधी राज्यसभा में मोर्चा संभालेंगी तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लोकसभा में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाएंगे। प्रियंका के वायनाड से जीतने पर कांग्रेस उत्तर और दक्षिण भारत के बीच अच्छा बैलेंस भी बना लेगी और इसीलिए यह स्ट्रेटजी पहले से ही बनाई गई थी। ये माना भी जा रहा था कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी अब खुलकर चुनावी मैदान में आ जाएं। प्रियंका गांधी वाड्रा लंबे समय से राजनीति में एक्टिव हैं, रायबरेली और अमेठी में रहकर उन्होंने कई साल तक भाई राहुल और मां सोनिया के लिए चुनावी अभियान की कमान संभाली है, लेकिन चुनावी राजनीति में ये उनका खुद का पहला कदम होगा। प्रियंका करीब 1.5 दशक तक एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरने से कतराती रही हैं। कांग्रेस ने जहां जहां कहा प्रियंका ने वहां वहां पार्टी का प्रचार किया। प्रियंका ने एक लंबे अरसे तक यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने की भी कोशिश की। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने
लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ कांग्रेस को रिवाइव करने की भी कोशिश की थी। हालांकि देखिए वो बात अलग है कि उनका ये नारा बहुत ज्यादा चला नहीं था, कांग्रेस को कुछ खास फायदा इस नारे का नहीं मिला। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तब दो लड़कों यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ लाने में प्रियंका ने ही सबसे अहम भूमिका निभाई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में भी यूपी में सपा को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने में प्रियंका गांधी ने ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इस चुनाव में प्रियंका ने ना सिर्फ रायबरेली में राहुल की जीत सुनिश्चित की बल्कि अमेठी की अपनी खोई हुई सीट को एक बार फिर से स्मृति ईरानी से छीन भी ली। अमेठी में कांग्रेस का किला वापस फतेह करने के बाद प्रियंका ने अब दक्षिण भारत के रास्ते लोकसभा में जाने का इरादा कर लिया है। बहुत खुश हूँ मैं, आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड ऑल आई विल से इज दैट आई वोंट लेट देम फील हिज एब्सेंस, एज ही सेड ही विल कम मेनी टाइम्स विद मी, बट आई विल वर्क एज हार्ड एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी एंड टू बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव। और रायबरेली के साथ तो मैं मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता, उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं। और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और रायनाड में भी। देखिए प्रियंका कई साल से सिर्फ कांग्रेस के स्टार प्रचारक ही बनकर घूम रही थी। शुरुआत में तो उनका काम सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे प्रियंका गांधी का जो कद है वो बढ़ने लगा, उनका दायरा बढ़ना शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्हें चुनाव लड़ाने की बात कई बार उठने लगी। आज प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी बड़ी बात कह दी, उन्होंने कहा कि वो भी यही चाहते थे कि प्रियंका सिर्फ प्रचार तक सीमित ना रहे बल्कि खुद भी लड़कर संसद पहुंचे। और अब देखिए रॉबर्ट वाड्रा की जो ख्वाहिश थी वो तो कम से कम यहाँ पर पूरी जरूर हो गई है। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही है और अगर वो जीत जाती है तो राहुल गांधी के साथ लोकसभा में बैठेंगी। लोकसभा में राहुल गांधी को प्रियंका गांधी का पूरा सपोर्ट मिलेगा और कई बार ऐसे मौके आए हैं जब कई लोगों ने प्रियंका गांधी की खुलकर तारीफ की है, भले वो बीजेपी के लोग हों, कि राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर तरीके से प्रियंका गांधी तमाम मुद्दों को उठाती हैं। मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाली एग्रेसिव नेता है, आपको याद होगा हाल ही में लोकसभा के चुनावों में कई ऐसे बयान रहे प्रियंका गांधी के जो चर्चा का विषय बन गए थे। लोकसभा में पूरी कोशिश करेंगी कि सोनिया गांधी की कमी किसी भी तरह से महसूस ना हो। लोकसभा में महिलाओं के मुद्दे को प्रियंका गांधी मुखर होकर उठाने का काम करेंगी। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि प्रियंका को संसद भेजने की पीछे की जो वजह है, जो कांग्रेस की रणनीति है वो क्या है, दक्षिण भारत को बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश है कि राहुल गांधी नहीं है लेकिन गांधी परिवार की ही सदस्य, गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी वहां पर काम करेंगी। गांधी परिवार ने वायनाड नहीं छोड़ा है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ना वायनाड की जनता को नाराज करना चाह रहे हैं ना रायबरेली की। वायनाड में पूरी कोशिश करेंगी प्रियंका गांधी कि राहुल गांधी की किसी तरीके से कमी ना हो और नॉर्थ के बाद साउथ में भी प्रियंका अब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने की तैयारी में है। मैं खुश हूं कि जरूर मैं हमेशा चाह रहा था कि प्रियंका खाली प्रचार ना करें और मतलब हमेशा सेवा करती हैं और बहुत समय से कर रही हैं और मैं हमेशा चाहता था कि वो संसद में भाग लें और सांसद बने और अभी उनको फिर एक इलेक्शन के लिए जो भी अभी इलेक्शन होगा वो उसमें मेहनत करेंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि भारी बहुमत से जीते हों और जो उनके इरादे हैं वो सक्रिय राजनीति में संसद के अंदर हों और एक सांसद जैसे अपने देश के जो भी महिलाओं के मुद्दे हैं या जो देश के रियल मुद्दे हैं, जो बीजेपी या बीजेपी के जो महिलाएं मंत्री हैं कभी कुछ किया नहीं है और वैसे उनके मंत्रियां जो हैं उनको ये भी नहीं पता कि पहले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो मैं यही कहूंगा कि प्रियंका एक समझदार महिला हैं जो हर चीज समझती हैं, जो महिलाओं के इशू है या किसानों के इशू हैं या जो अलग अलग जो इश्यूज हैं तो वो जरूर पार्लियामेंट में होकर बात करेंगी, जरूर जिक्र करेंगी उनके और कांग्रेस पार्टी को उत्साह है और
राहुल को जरूर वो अच्छा सपोर्ट देंगे। तो देखिए, राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी, जहां से अब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सवाल यह है कि राहुल ने वायनाड की जगह रायबरेली को क्यों चुना, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले वायनाड और रायबरेली में राहुल की जीत का एक डेटा आपको दिखा रही हूं। राहुल को वायनाड और रायबरेली दोनों ही जगह से बड़ी जीत मिली। राहुल ने रायबरेली से 3,90,000 से ज्यादा मार्जिन से जीत दर्ज की। रायबरेली को यस और वायनाड को नो क्यों कहा राहुल ने, वो समझ लीजिए। वोट मिले और जीत का मार्जिन क्या रहा वो भी बताती हूँ। रायबरेली से राहुल गांधी को 6,87,649 वोट मिले, जबकि वायनाड की बात करें तो लगभग इतना ही 6,47,445 वोट मिले हैं। और जो जीत का मार्जिन है वो बहुत बड़ा रहा, 3,90,030 वोटों का जो मार्जिन है वो रायबरेली में रहा, 3,64,422 वोटों का मार्जिन यहां पर वायनाड में रहा है। इतने अंतर से जीते हैं राहुल गांधी। और ऐसे में देखिए, कांग्रेस कहीं से भी ये नहीं चाहती कि दक्षिण भारत में एक मैसेज जाए कि कांग्रेस ने सिर्फ जरूरत के तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया है। और इसीलिए अब स्ट्रेटजी ये है कि वहां पर प्रियंका गांधी कमान संभालेंगी। इस बार के चुनाव में राहुल के मुकाबले सीपीआई एनी राजा को मैदान में उतारा था। हालांकि सीपीआई इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, बावजूद इसके वायनाड में राहुल के सामने एनी राजा ने चुनाव लड़ा। वहीं बीजेपी ने केरल यूनिट के अध्यक्ष के सुरेंद्रन पर दांव लगाया था, लेकिन राहुल ने बड़ी मार्जिन के साथ वायनाड सीट पर जीत हासिल कर ली थी। और ये कांग्रेस के लिए एक तरह से सेफ सीट भी देखी जा रही थी। हालांकि देखिए, 2019 के मुकाबले वायनाड में इस बार राहुल की जीत का मार्जिन और वोट शेयर दोनों थोड़ा घट गया, लेकिन जीत तो जीत होती है कितने भी वोटों से हो। राहुल एक साथ दो दो जगह से सांसद बने, और देखिए जो नियम है उसके हिसाब से वो दोनों जगह से तो सांसद नहीं बने रह सकते थे, यानी कि उन्हें एक सीट छोड़नी ही थी। उन्हें 14 दिन के अंदर ये फैसला लेना था, और आखिरकार राहुल ने फैसला ले लिया, वायनाड की सीट छोड़ दी और रायबरेली को चुन लिया है। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था, और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूँगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊँगा, और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था, क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ। देखिए, अमेठी में हार के बाद भी जिस वायनाड ने राहुल को 2019 के चुनाव में लोकसभा पहुंचाया, राहुल ने उसी वायनाड को क्यों छोड़ दिया और रायबरेली को क्यों चुना, ये भी समझ लीजिए आप। दरअसल रायबरेली गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही। यहां से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी सांसद रहे हैं। गांधी परिवार सीट से बेहद इमोशनल तौर पर कनेक्ट रहा है। सोनिया गांधी की जगह अब इस बार राहुल ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो सोनिया गांधी ने चुनाव के दौरान भावुक अपील की थी और कहा था कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। इसके अलावा यूपी की राजनीति के लिहाज से भी जो रायबरेली है वो बेहद अहम है। देखिए, वजह क्या है वायनाड छोड़ने की और रायबरेली चुनने की, वो मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। पहली वजह है गांधी परिवार का ये गढ़ रहा है। गांधी परिवार के अधिकतर सदस्य यहाँ से जीत कर आए, सोनिया हो, फिर इंदिरा गांधी हो, फिरोज गांधी यहाँ से सांसद रहे और राहुल गांधी यहाँ से सांसद है। दूसरी वजह है कांग्रेस के लिए यूपी बेहद जरूरी है, 80 सीटें हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी में कांग्रेस एक सीट से 6 सीट पर पहुंच चुकी और देखिए ये कांग्रेस के लिए भी एक मोटिवेशन का काम कर रहा है। तीसरी वजह है यूपी चुनाव पर नजर है, 2027 का विधानसभा चुनाव अगला टारगेट है और इसीलिए अभी से स्ट्रेटजी बना ली गई है। चौथी वजह अमेठी सीट भी कवर करनी है। अमेठी से जो खोई हुई अपनी सीट वापस इस बार किशोरी लाल के जरिए जीती है कांग्रेस ने, वो उसे नहीं गंवाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि अटकलें थी कि राहुल गांधी जब हार गए थे स्मृति ईरानी से तो क्या इस बार वो जीत पाएंगे, और जब उन्होंने अमेठी सीट छोड़ दी रायबरेली से आकर चुनाव लड़े तो इसको लेकर भी बहुत सवाल खड़े हुए थे। हमारे नेता राहुल गांधी जी
दो जगह से चुन के आए हैं। पार्टी ने यह तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। हमने ये तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। तो देखिए, राहुल गांधी ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर उन्हें बीजेपी से मुकाबला करना है तो फिर यूपी में कांग्रेस की जो जर्जर हालत हो चुकी है उसकी जड़ें अब मजबूत करनी होगी, क्योंकि यूपी के पास ही बहुमत की चाबी है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 71 सीटें जीती, तो केंद्र में उसने अपने दम पर बहुमत की सरकार बना ली। 2019 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 62 सीटें जीती, तो भी केंद्र में बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन इस बार बीजेपी चूक गई, यूपी में उसकी 33 सीटें हो गई, घट गई सीटें, और यही वजह रही है कि बीजेपी इस बार बहुमत का आंकड़ा पार करने से चूक गई है। बीजेपी यूपी में थोड़ा सा देखिए हिली तो जरूर है, तो कांग्रेस को स्कोप भी मिल गया। अब प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़कर लोकसभा में आने की तैयारी कर रही हैं। प्रियंका गांधी अगर वायनाड से उपचुनाव भी जीत जाती हैं, तो वो गांधी नेहरू परिवार की 10वीं सदस्य होंगी जो चुनाव जीत कर संसद पहुंचेंगी। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, ये हम पूरा जो फैमिली ट्री है वो आपको समझा देते हैं कि संसद में नेहरू गांधी परिवार से अब तक कौन कौन पहुंचा है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, राजीव गांधी, उनकी पत्नी सोनिया गांधी, संजय गांधी, उनकी पत्नी मेनका गांधी, उनके पुत्र वरुण गांधी, और देखिए सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी, और प्रियंका गांधी अगर जीत जाती हैं तो वो भी संसद पहुंच जाएंगी। ये पूरा फैमिली ट्री हम आपको समझा रहे हैं। प्रियंका गांधी अगर जीतती है तो वो नेहरू गांधी परिवार की 10वीं सदस्य बन जाएंगी जो जीत कर संसद पहुंचेंगी, यानी कि लगभग हर व्यक्ति ने नेहरू गांधी परिवार से चुनाव लड़ा है। और अब प्रियंका गांधी को लेकर जरूर लंबे समय से अटकलें थी, 2019 के चुनाव के बाद खास तौर पर प्रियंका गांधी को खुलकर सामने आने की मांग कांग्रेस के भीतर ही जोरों पर उठने लगी थी। वायनाड ने दो बार उनको जिताया, सिटिंग सांसद वो वायनाड से है, परंतु अब वायनाड को भी छोड़ दिया, क्योंकि इसमें तीन कारण है। एक तो जो पारिवारिक विरासत है रायबरेली की, आज साफ हो चुका है कि कांग्रेस नामक पारिवारिक कंपनी में पारिवारिक विरासत पुत्र की हो सकती है, पुत्री की नहीं। दूसरी बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के कंधे पर चढ़कर कांग्रेस कुछ एकाध सीट उत्तर प्रदेश में जीत गई है, पर वहां पर उपचुनाव कराने की वो स्थिति में नहीं है। वो डरते हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी जो थोड़ी बहुत जमीन गई थी वो फिर से उसको पाने की स्थिति में है। देखिए, वैसे गांधी परिवार का दक्षिण भारत से चुनाव लड़ने का लंबा इतिहास रहा है। शुरुआत पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने की थी, उन्होंने 1978 में चिकमंगलूर से चुनाव जीता था, और उसके बाद 1980 में बेडर से इंदिरा गांधी सांसद बनी थी। इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी 1999 में कर्नाटक के बेल्लारी से सांसद बनी, हालांकि बाद में उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। राहुल गांधी 2019 और 2024 में केरल की वायनाड सीट से सांसद बने, और अब प्रियंका गांधी वायनाड से चुनावी जो अपनी सियासी सफर की शुरुआत कर रही हैं वो यहीं से कर रही हैं। गांधी परिवार का साउथ कनेक्शन अब आप जान लीजिए। इंदिरा गांधी सबसे पहले वहां पहुंची 1978 में, चिकमंगलूर कर्नाटक से उन्होंने चुनाव लड़ा जीती। इंदिरा गांधी 1980 मेढक से, आंध्र प्रदेश के मेढक से उन्होंने चुनाव लड़ा। इसके बाद फिर सोनिया गांधी 1999 में बेल्लारी कर्नाटक पहुंची, वहां से चुनाव लड़ी। राहुल गांधी 2019 वायनाड केरल, राहुल गांधी ने 2024 में भी केरल के वायनाड से चुनाव लड़ा और वो जीते भी, और अब उनके इस्तीफा देने के बाद वायनाड सीट से प्रियंका गांधी उसी सीट से अब चुनाव लड़ रही हैं। प्रताप बातचीत के लिए मौजूद है वायनाड से, राहुल गांधी खिलाफ चुनाव लड़ चुकी इनी राजा, किस तरीके से मैम इस डिसीजन को आप देखती हैं? राहुल गांधी अब वायनाड छोड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी कंटेस्ट करने जा रही हैं। अभी मेरा एक प्रश्न प्रियंका जी के सामने मेरा है, राहुल से भी मैंने ये बात पूछा था कि ये प्रियंका जी इंडिया अलायंस का एक वन ऑफ दी नेशनल लीडर है, तो किसके खिलाफ लड़ रही है? एलडीएफ के खिलाफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के खिलाफ लड़ रही है, और वो जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पे हरेक जो पार्टी है, तमाम पार्टी लेफ्ट ये इंडिया अलायंस का पार्टनर है,
तो एक इंडिया अलायंस का लीडर आके उसका जो पार्टनर्स के खिलाफ लड़ना, इसमें एक एक क्या कैसा राजनीति है कांग्रेस के लिए और प्रियंका के लिए? देश की और जनता की सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कम्युनल फासिस्ट फोर्स है या कम्युनिस्ट पार्टियां है या वामपंथी पार्टियां है? जब इलेक्शंस चल रहे थे तो वायनाड में जब तक कोटिंग नहीं हुई थी तब तक ये रिवील नहीं किया गया कि राहुल गांधी रायबरेली जाके लड़ेंगे, और कहा जा रहा था बार बार कि शायद ये सीट छोड़ दें, अब वो सही साबित हुआ, तो क्या एलडीएफ इसको भी वहां पे मुद्दा बनाएगी? नहीं, मुद्दा तभी हमने बनाया था, हमने उस वक्त भी बोला है कि क्या है आपको, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एक एक सीट आसानी से जीतना है, ऐसा है तो आपका सामने बहुत सारे ऑप्शन है, तमिलनाडु उधर हम सब एक ही अलायंस में, सीपीआई कांग्रेस और उधर लीडिंग कर रही है डीएमके, और ऐसा एक जो परिस्थिति के बाद भी ऐसा निर्णय लेना एक लीडरशिप का, कांग्रेस का लीडरशिप के लिए, तो बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल प्रश्न खड़ा करती है। वहीं वाराणसी दौरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे का भी शेड्यूल जारी किया गया है। श्रीनगर प्रधानमंत्री कब जा रहे हैं बताऊंगी आपको इस ब्रेक के बाद।